तो बच्चों अब करते हैं 27। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए, दो साइंस के बीच में एक पूरी इक्वेशन है, तो मैं इसके साथ भी इसको सॉल्व करता हूँ और इसके साथ भी इसको सॉल्व करता हूँ। बिल्कुल सैंडविच इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व करता हूँ। -3 इज़ लेस देन -1/2 -2x/3। ठीक है, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, -1/2 -2x/3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5/6, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। और ये क्या कह रहा है, इसको नंबर लाइन में भी सेट करना है ना, तो नंबर लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, याद रहेगा मुझको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम ले लो। तो देखो, -3 इज लेस देन, एलसीएम लिया 3 2 6, 2 3 6 -3, ठीक है, -2, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, ठीक है जी, इस 6 को मैं इधर फेंक देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 18। -18 इज लेस देन, ये हो जाएगा बच्चों -18 इज लेस देन -3 -4x। ये -3 है बच्चों, इधर आके हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा -15 इज लेस देन -4x। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, साइन चेंज हो जाएगा, तो 15 इज ग्रेटर देन 4x। ये 4 इसके नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/4 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, ठीक है जी, मतलब ये अब मैं बोल सकता हूँ एस ए एक्स इज लेस देन 15/4। ये मेरी पहली इक्वेशन है। मैं यहाँ दूसरी इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही क्या कर रखा है, एलसीएम ले रखा है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगा, -3 -4x/6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5/6। 6 से 6 कैंसिल आउट, राइट। ये 3 है, इधर आएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा कितना, -4x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। ये इसके नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज, साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस x में है, माइनस x के नंबर, x के आगे जो नंबर है कोफिशेंट है उसमें माइनस है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8/-4। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो देखो ये दो आ गए मेरे पे, सॉल्व कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन इक्वल्स टू 15/4। और बच्चों अब इसको नंबर लाइन में आप प्लॉट कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको नंबर लाइन में प्लॉट करना है, और मेरे ख्याल से आपको अब नंबर लाइन में प्लॉट करना आ गया होगा। तो ये मेरा इसका आंसर है, और इसको आप नंबर लाइन में प्लॉट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि सर हमने नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया। तो अगर नहीं आता तो आप मुझे बताइए कि सर इसका नंबर लाइन में प्लॉट करो, तो मैं ऐड कर लूँगा, वो वीडियो डाल दूंगा इसी के नीचे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं।